नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन की घंटी को देख लीजिए, कहीं वह लाल तो नहीं। यदि वह लाल है तो उस खतरे की घंटी को दबाकर ग्रे कर दीजिए, ताकि फायर सेफ्टी की कोई भी जानकारी आपसे छूटने न पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास का टॉपिक है प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन। प्लांट सेफ्टी इंस्पेक्शन का हिंदी में मतलब होगा प्लांट में सुरक्षा निरीक्षण। सुरक्षा निरीक्षण मतलब क्या? सुरक्षा निरीक्षण मतलब किसी विभाग या समूह के जरिए से या बाहरी कुछ अधिकारियों के जरिए से किया गया एक दिनचर्याबद्ध या नियमित रूप से की गई जांच को हम क्या बोल सकते हैं, इंस्पेक्शन कह सकते हैं। मतलब कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा या सुरक्षा विभाग द्वारा प्लांट के अंदर ही किया जाने वाला जांच या प्लांट के अंदर की जाने वाली ध्यान लगाकर या ऑब्जर्वेशन, उसको हम बोल सकते हैं इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन कैसा होना चाहिए, किस बारे में होना चाहिए, उसके बारे में भी हमको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पेक्शन में क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या जांचना चाहिए। तो सबसे पहले मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड। कारखानों के अंदर मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड क्या है, मतलब कोई भी मशीन, कोई भी उपकरण जब बिगड़ जाता है या उसमें खराबी आ जाती है या उसको खराबी आते तक के या खराबी आने के बाद चलाया जाता है क्या, ये सारी बातों को क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन के दौरान जांचना चाहिए, देखना चाहिए। दूसरा है कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। इंस्पेक्शन में कर्मचारियों की उलझने जानना चाहिए कि कर्मचारी कौन से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनको क्या तकलीफ है, उसके बारे में भी इंस्पेक्शन के जरिए से जानना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है वर्किंग प्रैक्टिसेस। काम करने की प्रणाली जानना चाहिए कि काम किस प्रकार से किया जा रहा है, अनसेफ तरीके से तो नहीं किया जा रहा है, काम करने का तरीका गलत तो नहीं है, इसके बारे में भी क्या होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए, इसके बारे में भी जाँच होनी चाहिए। उसके बाद जो भी वहाँ पे कार्य चलाए जा रहे हैं, जो भी कार्य के तरीके हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से यानी सुरक्षा से है यानी, वो भी इंस्पेक्शन में जांच करना चाहिए। अब इसके अलावा अगर हम लोग जैसे इंस्पेक्शन करते हैं प्लांट के अंदर, इंस्पेक्शन के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, और डीप में जाके ऑडिट भी कर सकते हैं। मतलब इंस्पेक्शन से अगर इशू पूरे नहीं हो रहे, मुद्दे निकल नहीं रहे, तो हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन डेप्थ मतलब वहाँ पे हम अंदरूनी तौर पे एक प्रकार के ऑडिट का आयोजन कर सकते हैं। तो इंस्पेक्शन जो है प्लांट के अंदर के खामियों को जाना जा सकता है, प्लांट के अंदर के जो अनसेफ एक्शंस है, अनसेफ कंडीशंस है, उनको अच्छी तरह से जाना जा सकता है, उनको पहचाना जा सकता है। इंस्पेक्शन के प्रकार जानते हैं कितने प्रकार के हैं। तो इंस्पेक्शन चार प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो पीरियोडिक इंस्पेक्शन। पीरियोडिक इंस्पेक्शन मतलब एक नियतकालीन समय में किया गया इंस्पेक्शन। अब ये नियमित अंतराल में एक योजनाबद्ध से हम लोग क्या कर सकते हैं, पीरियोडिकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ऐसे इंस्पेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक इंस्पेक्शन। मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं संडे टू संडे या मंडे टू मंडे, इस प्रकार के किए जाने वाले निरीक्षण को बोल सकते हैं पीरियोडिक। मतलब नियमित अंतराल में किया जाने वाला इंस्पेक्शन या निरीक्षण। उसके में वो पीरियोडिक इंस्पेक्शन डिपेंड होता है वहाँ की जरूरतों पर कि वहाँ पर किस प्रकार के कार्य चलाए जाते हैं, ज़्यादा अगर रिक्सी कार्य होंगे, जहाँ पे ज़्यादा खतरनाक कार्य होंगे, ऐसे जगहों में क्या किया जा सकता है, इसका अंतराल निश्चित किया जा सकता है। सप्ताह किया जा सकता है, 15 दिन किया जा सकता है, या फिर मंथली किया जा सकता है। वहाँ पे जो संभावित खतरे है उसके या जोखिम है उसके ऊपर क्या होता है, पीरियोडिक इंस्पेक्शन निर्भर होता है। अब उसी में एक आता है उसी इंस्पेक्शन में स्टैटूटरी इंस्पेक्शन। स्टैटूटरी इंस्पेक्शन का मतलब होता है कानूनी निरीक्षण, मतलब कुछ सरकारी इकाइयों से, सरकारी अधिकारियों से किया जाने वाला निरीक्षण को हम लोग बोल सकते हैं स्टैटूटरी इंस्पेक्शन। ये भी काम में आ जाता है पीरियोडिक इंस्पेक्शन में आ जाता है। मतलब इंस्पेक्शन का पहला ही प्रकार देख रहे हैं, पहले में हमने देखा पीरियोडिक, और पीरियोडिक का ही बी पार्ट है स्टैटूटरी। स्टैटूटरी इंस्पेक्शंस के लिए कुछ
गवर्नमेंट्स बॉडी होती है, गवर्नमेंट्स के कुछ अधिकारी होते हैं जो पीरियोडिक इंस्पेक्शन के हिसाब से चलाया जा सकता है। अब ये स्टैटूटरी इंस्पेक्शन जो है वो ईओटी क्रेन का किया जा सकता है, विंच मशीन का किया जा सकता है, वायर रूम का किया जा सकता है, चैन ब्लॉक का किया जा सकता है, क्रेन का किया जा सकता है, जो इसका भी एक समय निश्चित होता है, जैसे 6 महीना, 1 साल, ऐसे नियम या जिसका एक प्रकार का एक अवधि जिसका डिसाइड किया हुआ है, जिसका समय डिसाइड किया हुआ है, ऐसे इंस्पेक्शन को बोल सकते हैं पीरियोडिक। और पीरियोडिक में आ जाता है स्टैटूटरी बोले तो गवर्नमेंट्स या सरकारी अधिकारियों से किया गया निरीक्षण, जो कानूनी अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, जो मशीनरी हो सकती है, क्रेन हो सकती है, हॉइस्ट हो सकती है, इनका इंस्पेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं स्टैटूटरी। अब दूसरा इंस्पेक्शन का प्रकार है इंटरमिटेड, मतलब सरप्राइज तौर पर, जो सेफ्टी डिपार्टमेंट के माध्यम से या सेफ्टी ऑफिसर के माध्यम से या उच्च मैनेजर के माध्यम से क्या किया जा सकता है, सरप्राइज तौर पर किया जा सकता है, मतलब अचानक घोषित किया जा सकता है। वहाँ के कर्मचारियों को बिना बताए बगैर, कामगारों को बिना बताए बगैर किए जाने वाले अचानक वाले इंस्पेक्शन को बोल सकते हैं इंटरमिटेड इंस्पेक्शन, जो कि अचानक तौर पे सरप्राइज तौर पे किए जाते हैं। अब ऐसे इंस्पेक्शन कहाँ और कैसे किए जाते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, जहाँ पे अगर हमको देखना है कि कारखानों के अंदर में प्रकाश व्यवस्था बराबर है या नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको शाम को जाके अचानक में जाके हम चेक करेंगे। कार्यस्थल में अगर हमको लग रहा है कोई कन्फ्यूजन है, तो ऐसे जगहों में हम लोग बिना बताए अचानक जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो ऐसे इंस्पेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं इंटरमिटेड। पहला देखा हमने पीरियोडिक में हमने देखा था, दूसरा जो था उसका एक प्रकार स्टैटूटरी, और पीरियोडिक के बाद दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो इंस्पेक्शन का प्रकार है वो है इंटरमिटेड। अब तीसरा प्रकार देखते हैं कंटिन्यूस बोले तो निरंतर इंस्पेक्शन एक सुपरवाइजर के माध्यम से या खुद कामगार के माध्यम से भी चलाया जा सकता है। मतलब एक क्रेन ऑपरेटर होगा, तो क्रेन ऑपरेटर क्रेन में बैठने से पहले, मतलब उस क्रेन को चालू करने से पहले, उसका यूज करने से पहले क्या करना चाहिए, उसने सबसे पहले अपने क्रेन की जांच करनी चाहिए। वर्कर्स ने भी अपने काम पे जाने के पहले अपने कार्यस्थल की जांच करनी चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए, इस प्रकार के निरीक्षण को बोल सकते हैं कंटिन्यूस। तो तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं स्पेशल का मतलब होता है खास निरीक्षण कहाँ और कैसे किया जाता है। खास निरीक्षण निर्भर होता है कुछ खास घटनाओं के ऊपर, ये कभी कभी किया जा सकता है, जो खास घटनाओं के ऊपर में किया जा सकता है। तो पहला हम जानते हैं कहाँ और कैसे, कोई एक्सीडेंट या खतरनाक घटना के लिए इस प्रकार का निरीक्षण किया जा सकता है, जांच पड़ताल करने के उद्देश्य से। कोई अगर एक्सीडेंट है जिसका समझ नहीं आ रहा है कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ऐसे एक्सीडेंट्स का पता लगाने के लिए स्पेशल इंस्पेक्शन कराया जा सकता है। दूसरा है इंस्पेक्शन न्यू बिल्डिंग्स प्रोसेस इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट्स। खास इंस्पेक्शन जैसे कोई नई इमारत बनी हो, नया प्लांट बना हो या नया कोई स्ट्रक्चर बना हो, उसको कार्यान्वित करने के पहले या कार्य में लागू करने से पहले क्या किया जाता है, उसमें खास तरीके से इंस्पेक्शन किया जाता है, ताकि वो कार्यस्थल पे कोई प्रकार का खतरा तो नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ जनरल लाइटिंग्स। खास निरीक्षण लाइटिंग्स मतलब प्रकाश व्यवस्थाओं के लिए भी किया जा सकता है कि वहां पे प्रकाश व्यवस्था सही है या नहीं। खास इंस्पेक्शन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल के संदर्भ में भी किया जा सकता है कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कारखानों के माध्यम से दिया गया है वो सही इस्तेमाल हो रहा नहीं, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए वो हुआ वो किया जा रहा है नहीं, इसके लिए भी क्या किया जा सकता है, खास इंस्पेक्शन किया जा सकता है। स्कैफोल्डिंग्स के बारे में खास इंस्पेक्शन किया जा सकता है। सेफ्टी वीक के दौरान जो सुरक्षा सप्ताह होता है उसके दौरान भी क्या किया जा सकता है, खास इंस्पेक्शन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्लांट में इंस्पेक्शन क्या है और उसके प्रकार कितने होते हैं और कैसे उसको किया जाता है, इसके बारे में हमने इस क्लास के माध्यम से जाना। इंस्पेक्शन प्लांट के अंदर, कारखानों के अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जो दुर्घटना मुक्त कार्यक्रम चलाने के लिए या सुरक्षा प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए इंस्पेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
तो इस चैप्टर में हमने प्लांट इंस्पेक्शन के बारे में चर्चा की, अगले क्लास में हम लोग किसी नए टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय सुरक्षा।